हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूचर प्लस पॉइंट चैनल में। लास्ट क्लास में आपने देखा कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, उसमें हम क्या किन किन चीज़ों की पढ़ाई करते हैं या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम क्या समझेंगे, उसको हमने लास्ट वीडियो में हमने समझा था। इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन किन किन तरीक़ों से करते हैं। इसमें मेनली तीन तरीके होते हैं। पहला होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है नेचुरल, और तीसरा होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन। इसमें कोई भी आ सकता है, माइक्रो भी आ सकता है और मैक्रो भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं पीरियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल में हम कुछ चीज़ों को लेते हैं, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक, हम दो तीन फीचर्स को लेके हम उसको क्लासीफाई करते हैं, तो वो होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जब हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नेचुरली बाय बर्थ जो उसका फीचर होगा, जो उसका हैबिट और हैबिटाट होगा, उसको लेकर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो कहलाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन, जिसको हम अलग नाम भी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम कुछ चीज़ों को आर्टिफिशियली कंसिडर करते हैं। और नेचुरल क्लासिफिकेशन के बाद हम तीसरा टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं क्लाडिस्टिक क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ब्रॉड भी है, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स से डिलीट करके उसको क्लासिफाई करता है। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन थ्री टाइप्स का होता है, मोनो, पॉली एंड पैरा। मोनो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एंसेस्टर हो, एक ही एंसेस्टर से हम उसको क्लासिफाई करें, वो कहलाता है मोनोफाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और पॉलीफाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है जब कोई लिविंग के मोर देन वन एंसेस्टर हो, जैसे ह्यूमंस। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं ह्यूमंस के एंसेस्टर फिश हैं, कुछ बोलते हैं बर्ड्स हैं, कुछ बोलते हैं मंकी है। अभी तक 100% क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया कि एक्चुअली में ह्यूमंस के एंसेस्टर कौन है, तो वो आते हैं पॉलीफाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पॉली मीन्स मोर देन वन एंड मोर देन 100 मोर देन 10, वो होता है पॉली। फिर आता है पैराफाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। पैरा में आता है कि जब कोई भी एंसेस्टर कि मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर है वो नेचुरल और आर्टिफिशियली में ना कंसिडर करके कोई भी एक बार डिसाइड नहीं होता कि उसका एंसेस्टर है कौन सा, तो अपन लोग बोलते हैं पैराफाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नेचुरल को भी कंसिडर करता है और साथ में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को भी कंसिडर करता है अपने साथ। तो ये थ्री टाइप क्लासिफिकेशन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे कि मोनेरा किंगडम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, वो हम समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।